विधानसभा चुनावों के परिणाम में केवल एक दिन शेष बचा है। ऐसे में कांग्रेस व भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। राजधानी शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया एग्जिट पोल में बीजेपी को चाहे आगे दिखाया गया है, लेकिन कुछ एक ने कांग्रेस की भी बढ़त दिलवाई है। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों में बदलाव के लिए जबरदस्त जोश देखा गया था, यही कारण था कि 77% लोगों ने मतदान किया। चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी गारंटी पर चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी ने पैसों के दम पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। वहीं चौहान से जब कांग्रेस में सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाईकमान एक प्रोसेस के तहत सीएम का फेस तय करेगा। चुनाव था विधानसभा का जो 12 तारीख को संपन्न हुआ वोटिंग, और उसके बाद एक बहुत लंबा इंतजार था रिजल्ट का, और वो काफी करीब आने वाला है। बीच में एक दिन कल का रह गया 7 तारीख, और परसों 8 तारीख को सुबह से ये कार्यक्रम शुरू होगा। और जो काफ़ी 5 साल बाद ये मौका मिलता है, पूरे प्रदेश के लोगों का इसमें विश्वास बना रहता है सिस्टम में। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 55 लाख मतदाता थे, और उनमें से 77% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था और पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल था। जो प्रदेश की जनता ने बेखूबी ये देश को दिखाया कि लोकतंत्र के प्रति हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता किस प्रकार के सोच रखते हैं। लेकिन हमारा जो विशेष लगाव था हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेके और परिणामों को लेके, जिस प्रकार एग्जिट पोल में राष्ट्रीय स्तर के मीडिया ने, काफ़ी चैनल्स ने परिणाम के तौर पे भाजपा को एज दिखाया है चुनाव के अंदर, और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे दिखाया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एग्जिट पोल कोई नई चीज़ तो है नहीं, आप सभी लोग करते भी हैं, हिमाचल प्रदेश के मीडिया के कई लोगों ने भी किया है, कई चैनल्स ने किया है, और ये काफ़ी समय से जब भी चुनाव होता है देश में हर बार होते हैं। और इसकी जो स्टीक है कि ये कितने करेक्ट होते हैं और कितनी इसमें एरर्स की गुंजाइश होती है, ये हर बार एक विषय रहता है, मुद्दा रहता है। और रिजल्ट्स के दिन जब रिजल्ट्स आते हैं सामने, ये सारी बातें खत्म हो जाती है, फिर अगले चुनाव में फिर से चीज़ शुरू हो जाती है कि कहीं भी चुनाव आता है तो एग्जिट पोल का द्वारा से काम शुरू हो जाता है। लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, किस एजेंसी ने, किस चैनल ने, किस जरिए किया, कैसा सैंपल रहा, सैंपल का साइज़ क्या रहा। जैसा मैंने जिक्र किया 55 लाख वोटर्स हैं, अगर आप सैंपल को एग्जाम्पल के तौर पे आप कहें कि जी मैंने 20,000 वोट का सैंपल लिया था, तो आप खुद समझदार है, सब समझते हैं कि अब 55 लाख लोगों में 20,000 को सैंपल मानना इसकी एक्यूरेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो ये ठीक है, दोनों तरफ है। हमें भी कुछ चैनल्स ने दिखाया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम आज इसलिए, अब तो केवल मात्र एक दिन का समय बाकी बचा है। जो कुछ लोग इस एग्जिट पोल के जरिए खुश होना चाहते हैं, भाजपा के लोग हो, सरकार हो, मैं समझता हूँ उनका तकरीबन यही आज का दिन और कल का दिन ये खुशी का है। जो वास्तविकता हमें दिखती है, जो हमारे पास एक प्रॉपर फीडबैक है, कांग्रेस पार्टी का अपना मैकेनिज्म था, अपने सर्वे थे, या इस चुनाव के दौरान कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, हर आदमी ने काम किया, लोगों से संपर्क में गया, और उसके बाद 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का जो, ये 12 तारीख से लेकर जो आज तक का जो समय है, इस दौरान बहुत सारे हजारों लोगों से जो है संपर्क हुआ, फीडबैक मिला, लोगों ने प्रॉपर फीडबैक एक तैयार किया। उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी इस बात पे सुनिश्चित करती है कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर 8 तारीख को बनेगी, और जो नंबर होगा वो रिस्पेक्टफुल होगा। मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अपना पूरा मानना है कि ये आंकड़ा जो है 42 से कम किसी भी सूरत में नहीं होगा। हम ये क्यों कहते हैं, हमारे पास भी सर्वे हैं, आप उसको कोई भी पोल कह दीजिए, आपकी भाषा में उसको एग्जिट पोल कहते हैं, हमारी भाषा में उसको अपना सर्वे है, अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जनता के बीच से। और उसके कारण थे, बहुत ठोस कारण थे कि आज ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं कि आज भाजपा की सरकार 5 साल बाद जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने चलाई उसको बदलने के लिए एक लोगों के अंदर एक जोश दिखा, बदलाव के लिए लोगों का जोश दिखा।
ये सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का है कि 77% पोलिंग होना इस बात को दर्शाता है कि जब भी इतने बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो वो अक्सर ये देखा गया है जो इतिहास है कि लोग बदलाव के लिए वोट डालते हैं।